नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर तेज बारिश के बाद मथुरा में जल जमाव की स्थिति बन गई है और उस वक्त हड़कंप मच गया जब नए बस स्टैंड पर बने अंडरपास में एम्बुलेंस और स्कूल बस फंस गई। बताया गया है कि बस में टीचर और स्टूडेंट्स मौजूद थे। एम्बुलेंस और स्कूल बस फंसने से वहां पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से बच्चों का रेस्क्यू किया गया। मथुरा की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आम लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। ये दो तस्वीरें आप देखिए, स्कूल बस वहाँ पर फंस गई, एम्बुलेंस वहाँ पर फंस गई और ट्रैक्टर की मदद, वहाँ पर क्रेन बुलानी पड़ी, उसकी मदद से, जेसीबी की मदद से वहाँ पर गाड़ियों को वहां से हटाया गया। नितिन गोस्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ बातचीत करेंगे। नितिन गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर आते हैं, लेकिन हर साल यही तस्वीरें मथुरा की हकीकत को बयां कर देती हैं। जी अनुपम, देखिए हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मथुरा में जब भी बारिश होती है, थोड़ी बारिश हो, उसी बारिश के बाद ऐसा नजारा देखने को मिलता है। शहर के दोनों पुल जो है, भूतेश्वर पुल हो चाहे नए बस स्टैंड का पुल हो, दोनों के नीचे भारी जलभराव रहता है और प्रशासन भी मूक दर्शक बना रहता है। तस्वीरें आम हो चली हैं, जो श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं मथुरा की एक अलग छवि लेकर आते हैं, लेकिन इन तस्वीरों में और इन जो जलभराव है उससे निकलने के बाद केवल प्रशासन को कोसते हुए नजर आते हैं। जबकि नगर निगम और जिला प्रशासन हर साल ये दावा करता है कि जलभराव की समस्या को नहीं होने दिया जाएगा, नालों की सफाई का दावा करता है, करोड़ों रुपए खर्च करने की बात करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो तस्वीरें अब आम हो चली हैं। और तस्वीरों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एम्बुलेंस है वो जलभराव में पुल के नीचे पानी में पूरी डूबी हुई है। साथ में अगर हम बात करें तो स्कूली बच्चे थे, लोगों को जान हथेली पर लेकर निकलना पड़ता है। लोग पुल के ऊपर से जो है पटरियों से अपना जो है इस पुल को पार करते हैं, ट्रेन भी आती है, ट्रेन के नीचे से भी। लेकिन सवाल यहाँ पर के है कि लाखों श्रद्धालु वीकेंड्स पे तो संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है, मथुरा वृंदावन में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, आम लोगों को भी इस तरह की दिक्कतों का दोचार होना पड़ता होगा। जी देखिए, अगर हम बात करें तो जो मथुरा रेलवे स्टेशन से और वृंदावन के लिए रास्ता जाता है, इस रास्ते पर ये दोनों पुल पड़ते हैं, चाहे भूतेश्वर पुल की बात करें चाहे नगर स्टैंड की बात करें। और आप देख सकते हैं कि रात को केवल घंटे दो घंटे बारिश होती है, उसी बारिश में पूरा जो मथुरा है, शहर है, वो पूरा जलभराव से हो जाता है और एक टापू के रूप में नजर आता है। सारे मार्गों पर, किसी भी मार्ग पर आप चले जाएं, वहां पर जलभराव होता है, जिससे आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके सामने बड़ी समस्या रहती है। कई लोगों के जो श्रद्धालु होते हैं उनकी ट्रेनें तक के छूट जाती हैं, बसें नहीं निकल पाती हैं, तो कहा जा सकता है कि ये जरा सी बारिश में जो है कान्हा की नगरी पूरी तालाब और तलैया के रूप में नजर आती है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बेसुध नजर आते हैं, तस्वीरों को देखने के बाद भी उनकी ऐसा लगता है कि उनको तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही हैं, या फिर उनकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी शिथिलता बार बार नजर आती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।